सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम रिटर्न का मतलब समझते हैं कि रिटर्न क्या होता है। रिटर्न बेसिकली हमारी अर्निंग जो होती है, जो हमारी इनकम होती है, उसको हम रिटर्न बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीचिंग की जॉब की है एक माह किसी सेक्टर में, तो मंथ के लास्ट पे आपको सैलरी मिल गया 20,000 रुपया। ये जो 20,000 रुपया ना, ये आपकी अर्निंग, इसको हम बोलेंगे रिटर्न। जो आपको रिटर्न मिला है, आपने जो काम किया है, उसको बोलते हैं रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 1,00,000 रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस ने एक माह बाद आपको 50,000 रुपया प्रॉफिट दिया है। मतलब 1,00,000 रुपए का बिजनेस जो था, वो 1,50,000 रुपया उसकी वैल्यू हो गई है। मतलब 50,000 रुपया इजाफी वैल्यू हुई है, 50,000 रुपया आपने कमाया, अर्न किया है किस्म का, तो उसको बोलेंगे रिटर्न। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने मोबाइल लिया 10,000 का और मार्केट में गया, मार्केट में 10,000 का खरीद के मार्केट से आपने अपने दोस्त को 15,000 रुपए में बेच दिया। उसको पसंद आ गया तो आपने बोला 15,000 दो भाई, फिर दूंगा। तो ये जो 5,000 रुपया ऊपर वाला है ना, अजाफी, 10 का लिया था, 15 में बेचा, तो ये 5,000 जो है ना, ये आपका रिटर्न है। इसको हम रिटर्न बोलते हैं, जो कमाई है, जो हमारी इनकम है। अभी बात आ जाती है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ना, वो आप जो एस्टीमेट लगाते हैं अपने प्रॉफिट का, अपनी अर्निंग का, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है ना, बेसिकली हिस्ट्री के डाटा पे, प्रीवियस ईयर में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ था 10,00,000 का, मैंने 1 करोड़ की प्रोडक्शन की थी तो मुझे प्रीवियस ईयर में 10,00,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल भी मैं 1 करोड़ की प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे फिर 10,00,000 का प्रॉफिट होगा। इसको बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपने पिछले डाटा को देखा, अंदाजा लगा लिया, या आपने मार्केट के रेट को देख के एक एस्टिमेट, एक फिगर अंदाजा लगा के सेट कर ली, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो मोस्टली एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है ना, वो एक्यूरेट नहीं भी होता। आपने अंदाजा लगाया कि यार पिछले साल मुझे 1 करोड़ प्रोडक्शन मैंने की थी, मार्केट में 1 करोड़ की प्रोडक्शन की थी, उसके ऊपर मुझे 10,00,000 रुपया इजाफी मिला था प्रॉफिट, तो इस साल भी 10,00,000 मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट में उस चीज की प्राइस कम हो जाए, आपको 10,00,000 ना मिले, 5,00,000 मिले, तो ये भी चीज होती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है ना, गारंटी नहीं होती कि आपके आप जो एक फिगर आपने सेट कर दिया इसके अंदर कितना मुझे मिलेगा, वो पक्का मिले, तो वो डिफरेंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मार्केट रिस्क पर डिपेंड करता है, मार्केट जो है फ्लक्चुएट करती है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है वो रिटर्न ना मिले, या कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई मसला हो गया है, कोई फ्लड आ गया है, कोई इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, तो आपको वो रिटर्न हो सकता है ना भी मिले। तो मोस्टली जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है ना, जो फिगर सेट की जाती है, उसके आसपास ही जो है ना, मोस्टली आपको रिटर्न मिल जाता है। 60 से 70% जो होता है ना एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो एस्टीमेट लगाया जाता है, वो अच्छा सही होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा हिस्ट्री का डाटा, और आपको पता है कि यार एक कैलकुलेटर मैंने 200 का बनाया है, मार्केट में 250 का बिक रहा है, तो काफ़ी हद तक वो 250 तक आराम से निकल जाता है, तो काफ़ी हद तक जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ठीक होता है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ना, अभी अगर एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो आपने अंदाजा लगा लिया, एक मोबाइल आपने बनाया है 10,000 रुपये का, तो आपने अंदाजा लगा लिया ये 15 में बिक जाएगा, 5,000 जो है एक्सपेक्टेड आपने अंदाजा लगाया है। तो अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई एक मोबाइल बना रहे हैं, साथ में लैपटॉप बना रहे हैं, साथ में आप कोई टीवी बना रहे हैं, कोई आईपॉड बना रहे हैं, कोई स्पीकर बना रहे हैं, तो जब आपकी प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगी, फिर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए भी एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल बनाया, उसके ऊपर आपने एस्टिमेट लगा लिया मुझे 5% रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 5% है। इसी तरह आपने एक लैपटॉप बनाया, उसके ऊपर आपने अंदाजा लगा लिया मुझे इसके ऊपर 10% रिटर्न मिलेगा। इसी तरह आपने एक टीवी बनाई, तो एलईडी बनाई या एलसीडी बनाई, तो आपने अंदाजा लगाया इसके ऊपर मुझे 15% जो है रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है मेरा 15% है। इन सारों को टोटल किया, 3 प्रोडक्ट, 3 लैपटॉप, मोबाइल और एलसीडी या टीवी, तो मोबाइल पे 5%, लैपटॉप पे 10%, एलसीडी पे 15%, टोटल किया 30% आ गया। 30% को डिवाइड करेंगे, प्रोडक्ट कितनी है 3 से किया, तो आपका आंसर है 10%। तो इससे आपको पता चल जाता है जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 10% है। मतलब एवरेज ले लेनी है सारी प्रोडक्ट की, तो जो रिटर्न आएगा वो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। जब आपकी प्रोडक्ट ज्यादा हो, तो आप फिर इस तरह अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है निकाल सकते हैं। आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।